21 मई को मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री ने हिस्सा लिया। इसमें कैप्टन कोहली और कोच शास्त्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए और वर्ल्ड कप की तैयारियों पर चर्चा की। इसके कुछ घंटे बाद टीम इंडिया इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलने के लिए रवाना हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने इंडियन आर्मी को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बताया। 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इस खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में लंदन रवाना हुई है। टीम इंडिया की इस टोली को देखते हुए सभी को आशा है कि विराट एंड कंपनी ट्रॉफी अपने घर लाकर इतिहास रच देगी, क्योंकि अभी तक भारत के हिस्से में केवल 2 ट्रॉफी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 5 खिताब अपने नाम कर चुकी है। अपने तीसरे खिताब के लिए टीम इंडिया 9 टीमों से 2-2 हाथ करेगी। इस टूर के लिए विराट ने भारतीय सेना को प्रेरणा बताया। इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी का जिक्र करते हुए कैप्टन कोहली ने एक बार फिर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। विराट ने कहा, हम इंडियन आर्मी और उनकी फैमिली वालों के लिए ये ट्रॉफी घर लाने की जीत और मेहनत करेंगे। विराट ने कहा, आपको तमाम स्रोतों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन इंडियन आर्मी से मिलता है। जिस तरह भारतीय सेना देश की सेवा करती है, इसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अगर हम इस प्रेरणा के साथ इंग्लैंड जाते हैं तो फिर हम आर्मी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग लेवल के साथ इस टूर्नामेंट को खेलेंगे। हालांकि अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं, लेकिन अगर सभी खिलाड़ी इंडियन आर्मी को दिमाग में रखकर खेलेंगे तो उन्हें शक्ति मिलेगी।